पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने पीतेपुर, सरैया, चंद्रपुरा, कपरावली आदि गांवों में जाकर जनसंपर्क किया। इसके साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और युवाओं को साथ में लेकर प्रचार किया। गांव के लोगों ने बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, पंकज मिश्रा का साथी अब हाथी। अरे गरीब भाई का साथी अब की बार हाथी। हाथी हाथी है भैया, चैन से रहना चाहते। आप देख रहे हैं दिल से चुनाव लड़ रही है, मेरा तो सिर्फ चेहरा है। जो लोग अमन चैन शांति चाहते हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं, विकास चाहते हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा करप्शन मुक्त, मेन मुद्दे जो है सबसे बड़ा मुद्दा भी जो किसान भाई का है। जो किसान भाई दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, गौ माता नंदी बाबा उसको खा लेते हैं। जब नंदी बाबा और गौ माता को भूख लगती है, इंसान को भूख लगेगी तो साम दाम दंड वे सब तरीके से करेगा, डकैती भी डालेगा वो, क्योंकि तो पेट के लिए सरकार बनती है वो बात अलग है। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो जिस तरीके से पहले भी मैंने ये आयोजन किया था, हेलीकॉप्टर की परमिशन भी थी, हेलीपैड भी बन गया, जिस कन्या के गांव में उतरनी थी वहां पे भी हेलीपैड बन गया। लेकिन हमारे क्षेत्र के नेताओं को जाने कौन सी चीज बुरी लग गई, मेरी समस्या तो बुरी उनको ये लग गई कि आम आदमी गरीब से गरीब आदमी की जिसकी सामूहिक विवाह समारोह में शादी हो रही कन्या की उसकी हेलीकॉप्टर से विदा हो जाएगी तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।